जहां मानी की बात कर रहे हैं तो वहां इनसिक्योरिटीज की बात भी आ सकती है. फॉरम का जो किस्सा आपने सुनाया है तो वहां से लेकर अब तक क्या इनसिक्योरिटीज रही हैं, क्या चीजें हैं? कभी भी नहीं. अच्छा, इनसिक्योरिटीज पहले होती थी बहुत. पहले थी मैं एक टिपिकल लड़की टाइप कि यार मैं शादी में ना मेरा गरारा फट गया है, नजर लगा दी मुझे मेरी खालन ने. इस टाइप की थी मैं थी. वो मुझसे जरूर जलती है, उसने मेरे जैसी शर्ट बनाई है, मेरे कपड़ों की कॉपी की है, ये देखो मेरी कॉपी कैट है. ये चीज बदल दी मारी ने मेरे अंदर से. मारी ने मुझे एक ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां मैं खुद एतमाद हो गई हूँ. और ये जो छोटी छोटी इनसिक्योरिटीज और जेलसीज और कॉम्पिटिशन होता है, इसमें से मैं पिछले 10 साल, मतलब इन 10 सालों में मैं उसमें से बाहर आ गई हूँ. पॉजिटिव क्योंकि उसने मुझे वो चीज करने दी है जिसमें उसको लगता था कि मैं बेस्ट हो जाऊंगी. तो ये भी कहते हैं कि एक अकलमंद इंसान की बात है, लेकिन वो पढ़ा लिखा है यहाँ से. यू नो गेटिंग माय पॉइंट. वो पढ़ा लिखा है यहाँ से. उसने पढ़ाई लिखाई अपनी इस तरह शो की कि उसने मुझे ऐसी जगह पे ला के बिठा दिया कि जहाँ मेरी इनसिक्योरिटीज, मेरी जेलसीज जो औरतों में अमूमन होती है, जिसको आप MBA या डॉक्टर बनने के बाद भी औरतों में रह जाती है, लड़कियों में रह जाती है, तो वो चीज मायने खत्म कराई है. नहीं तो मायने का तो यहाँ शऊर की आई ना, कि वो इतना उनमें शऊर है कि वो चीज उन्होंने फाइंड आउट की. ये बड़ी बात है कि फाइंड आउट करके फिर वो जगह भी दी कि करो जाओ. हाँ, उसने मुझे कहा मेहनत जो होती है ना, वो आपकी मेहनत हमेशा रंग लाती है. तो तुम जिस चीज में बेस्ट हो, जब मैं होस्ट करती थी तो उसने मुझे कहा बस होस्ट करना है. ऑब्वियसली वो पहले से टीवी इस इंडस्ट्री में, तो मैं उसकी ज्यादा सुनती हूँ क्योंकि वो एक अकलमंद इंसान है. तो उसने मुझे कहा, फिर उसने मुझे कहा हेरा क्विट होस्टिंग, तुम होस्टिंग नहीं करो, तुम बहुत अच्छी हो एक्टिंग में, तुम एक्टिंग करो. तो आज जितना भी मैंने काम किया है, जितनी मैं मेहनत करती हूँ, इसका सारा क्रेडिट मानी हो जाता है. उसने मुझे कहा है कि ये काम है, इससे प्यार करो. ये जो लोग बोलते थे ना, यार आप कितना कैजुअल कर देती हैं, इस कैजुअल के पीछे बड़ी मेहनत है नुसर, इस कैजुअल जुमले के पीछे बड़ी मेहनत है, बड़ी ऑब्जर्वेशन है. ऐसे नहीं कोई कैजुअल चीज़ हो जाती है, या ऐसे नहीं, इनके बीच में बड़ी थिन लाइन होती है. चीपनेस और यू नो कैजुअल पन के बीच एक बड़ी थिन लाइन है जो कि कैजुअल को चीप भी कर देती है. तो वो बॉर्डर लाइन भी हमने नहीं क्रॉस करनी होती है. सही बात. मैंने चूंकि इनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था, और उस प्रोजेक्ट में जो मेहनत मैंने इनकी देखी थी वो बहुत कम आर्टिस्टों की है. जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ है वो इनके फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो बहुत अच्छे होते हैं, और जो आई एक्सप्रेशन है वो भी बहुत अच्छे होते हैं. रियली थैंक यू. हाँ बिल्कुल. तो ये है कि मेहनत वाकई रंग लाती है. जिनको ये क्रेडिट दे रही है उनके साथ भी हम एक प्रोग्राम जरूर करेंगे, लेकिन इस वक्त हम करेंगे बात दो बोल पे, और वो इनके लिए. तो दो बोल जब आपको ऑफर हुआ, क्या आपकी उम्मीदें थी, क्या उस कैरेक्टर को आप सोच रही थी, किस तरीके से आपने करना था और किस तरीके से आपसे करवाया गया? इसका क्रेडिट वैसे वजाहत हुसैन को जाता है, बड़े कमाल के डायरेक्टर है. और डेफिनेटली आप कुछ सोच के जाते हैं, डायरेक्टर ने कुछ सोचा होता है, तो वो म्यूचुअली चीज़ एक बिल्ट होती है. और बड़ी मेहनत है वजाहत की, क्योंकि मुझे कंट्रोल करना ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे अंदर बहुत एक्सप्रेशंस है, ये भी क्या अच्छा नहीं क्यों. तो वो इतने सारे एक्सप्रेशंस में से एक एक्सप्रेशन निकालना वो एक अच्छे डायरेक्टर ही कर सकता था मेरे साथ. तो वजाहत ने कहा हीरा इसको इस तरह बोलना है, इसको इस तरह बोलना है. जब मैं वजाहत को बोलती थी यार आप मुझे इतना बोलते हैं, यार मैं नहीं कर पाती. तो उसने कहा हीरा आपके अंदर अभी इतना है कुछ बाकी, मैं तो इतना सा निकलवाया अभी आपसे. तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था कि इसको पॉजिटिव भी लेना चाहिए. अगर आपको कोई कुछ बता रहा है कि आपको उठ के चल के इस तरह जाना है, तो वो आपको बेहतर तरीके से ही बता सकता है. तो दो बोल का जो कैरेक्टर है वो बहुत एक कॉन्फिडेंट, बहुत एक माहौल से तपी हुई, क्योंकि उसकी माँ चली जाती है वो जब छोटी होती है, उसका बाप उसको ओन नहीं करता, उस घर में एक फप्पो है जिसको हर वक्त ऑन करती है. वो अपने माहौल से बहुत डिस्टर्ब थी, तो वो ऐसी थी नहीं करनी मुझे किसी से बात, क्या मतलब है ये वो तड़ाक 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 चीख पुकार.
अमूमन प्लेस में मैं नॉर्मल होती हूँ, अच्छा ठीक है कर लिया आप बता दें, लेकिन इसमें मैं थी, मैंने कह दिया तो मैंने कह दिया। तो अब मैं बताऊँ, ये नेगेटिव हो सकता था। वजाहत ने मुझे कहा हीरा ऐसे प्ले करना है कि नेगेटिव ना लगे, क्योंकि मेरे एक्सप्रेशंस बहुत बोल्ड हैं, मतलब बहुत ज्यादा है कि अगर आईब्रो चढ़ाऊंगी और ऐसे तो बिल्कुल लगेगा हाय है, तो बिल्कुल गुस्से में आ गई। उसको भी कम करना था, थोड़ा ऐसे भी कम करना था, और थोड़ा अपना वो क्या कहते हैं बुर्दबारी के साथ इसको प्ले करना था। तो इसको हमने बड़ा प्लान किया, इसको हमने इसका बड़ा स्केच बनाया कि हमने ये करना है, ये करना है, इस तरह रहना है, क्योंकि ये नेगेटिव हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमें सिंपैथी कैरेक्टर की अपनी इनफैक्ट हमें इनसे सिंपैथी भी चाहिए होती है ना, डेफिनेटली कि लोग सिंपैथी तो दें। बिल्कुल, मतलब हीरोइन क्या है बेसिकली मेरी नजर में, मैं क्यों नेगेटिव कैरेक्टर्स नहीं करती, क्योंकि मैं हीरोइन रहना चाहती हूँ लाइफ टाइम। अच्छा। मैं कहती हूँ कि मैं अगर मर भी रही हूँ ना, तो मैं एक हीरोइन होके मरूँ कि यार जिसके साथ सिंपैथी हो, जिसके साथ प्यार हो, जिससे लोग कंफर्टेबल हो, पॉजिटिव हो। तो मैं डर गई थी जब शुरू में गई थी, बहुत चीख रही थी ना, तो मैंने कहा वजाहत तो बिल्कुल ही, तो वजाहत ने कहा नहीं नहीं आप ऐसे नहीं, आप ट्रस्ट करें मुझ पर। तो बेसिकली ये अफान, मैं, वजाहत, सना शाहनवाज, समीना भाभी, इनफैक्ट हमारे कैमरामैन खलील भाई, मेरा एडी पहले हसनैन था, वो फिर किसी और प्रोजेक्ट में चला गया, फिर जहरा, तो ये जो मेरी पूरी टीम है, इनफैक्ट कमाल भाई जो कपड़े इस्त्री करते हैं, कभी कभी मैं तंग आके उनके साथ बैठ जाती थी, कमाल भाई मैं थक गई हूँ यार, कमाल भाई कहते थे आपके लिए चाय बनवाऊँ, तो वो टाइम मेरे साथ उनका इतना अच्छा गुजरता था, वो बैठे होते थे, वो इस्त्री कर रहे होते थे, मैं उनके सामने बैठ के उनकी कहानियाँ सुन रही होती थी। तो बेसिकली ये काम ना बहुत लाइवली रहने वाला है, यहाँ मैं तंग आ गई, यहाँ आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, और वो आपका पूरे स्क्रीन पे नजर आता है, वो नजर आता है। ये बेसिकली काम प्यार का है, आपको इस काम से प्यार, तो बेसिकली दो बोल से मैंने प्यार किया है। तो देखा आपने कि एक्चुअल में हीरामानी है क्या। हाँ, तो ये है हीरामानी, सभी देख रहे हैं पिछले 10 साल से कि हीरामानी है क्या। वैसे मैं अवॉइड करती हूँ इंटरव्यूज में जाना, क्योंकि मुझे लगता है मैं सब बता के आ जाती हूँ, तो ये कैसे कंट्रोल होगा। मुझे लगता है मैं कभी ओपरा के या एलन के शो पे भी जाऊंगी तो सब कुछ बोलती हूं, तो मैं सब बता के आ जाऊंगी, क्योंकि मैं सच्ची हूँ। नहीं, सच्ची की बात नहीं है, आई थिंक आई कैन नॉट एक्ट। मुझे लगता है, मुझे लोगों ने कहा यार हीरा सब तो नहीं बताते थे ना, आगे के लिए भी तो कुछ रखना है, तो मुझे लगता है आगे कुछ मेरे साथ ऐसा होने वाला है कि वो मैं आगे भी बताऊंगी तो वो उतना इंटरेस्टिंग लगेगा। मेरी लाइफ में एडवेंचर या मेरी लाइफ में ये चीजें खत्म नहीं होने वाली कभी। मैं अगर मेरे घर में मेरी मेड भी होती है ना, तो मैं उसके साथ भी मेरा बड़ा अच्छा एक मजे का रिलेशन होता है। तो बेसिकली मैं हर चीज एंजॉय करती हूँ, मैं सिर्फ टीवी या फ्रेंड्स एंजॉयमेंट नहीं होती, आपकी कोई भी चीज आपको जो है वो दिलचस्प लग सकती है घर में, सोने से पहले, उठने के बाद। तो आई थिंक बस रिलैक्स रहना चाहिए और लाइफ को आप फन करें, लाइफ फनी चीज है। हीरा को कभी ऐसा लगा है कि जब वो इतना कुछ बोल देती है, जबकि लोग उसे कह रहे होते हैं कि भाई आपने इतना कुछ कह दिया, कहीं ऐसा महसूस हुआ कि आपको पर्सनली कि हाँ वाकई मैंने कह दिया और ये मुझे नहीं कहना चाहिए था? कभी भी नहीं हुआ मुझे। मैंने ऐसा वैसे क्या बोल दिया कभी, वैसे लोग मुझे बोलते हैं, मुझे समझ नहीं आती कि मुझे कभी भी नहीं ऐसा लगा कि मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए। मेरी लाइफ में चीज़ें इतनी पॉजिटिव और इतनी मज़े की हैं, और मैंने इनफैक्ट समीना पीरजादा के शो में भी अपने दो पहलू डिस्कस किए थे। पहला वो जिसमें मैं बड़ी इमेच्योर थी, मैं बड़ी सेल्फिश थी, जो शायद 5 बच्चों में से एक बच्चा हो सकता है, कि अपनी पसंद की जिंदगी जीने के लिए मैंने वो चीजें की जो लगता था कि जिसमें मैं अच्छी रहूंगी, तो उसका मुझे बैकलैश आया। और हो सकता है जब आगे जाके मुजम्मिल इब्राहिम ये चीज करें, तो शायद मैं वाकई में अपने आप को वहीं खड़ा पाऊं जहां मेरे अब्बू खड़े थे। लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और मुझे लगता था मैं इतनी गलत नहीं हूं, अपनी पसंद और उस तरह की पसंद जिसमें किसी की दिल आजारी ना हो, कोई तकलीफ में ना आए, तो वो चीज करनी चाहिए। मुझे कभी नहीं लगा ऐसा कि मैंने ज्यादा बोल दिया है। मुझे लगता है कि बस सबको पता होना चाहिए कि एक लाइफ ऐसी भी होती है, हीरामानी की तरह भी एक लड़की थी। इनफैक्ट यार अब नजर मैं सबसे मिलती हूँ, जैसे कहीं मैं जाती हूँ तो लोग मुझे बहुत प्यार कर रहे होते हैं, यार हीरा क्या ड्रामा है,
तो मैं डर जाती हूँ, बोलती हूँ यार कल को मैं फ्लॉप हो गई तो मुझसे ऐसी प्यार करना प्लीज यार, कल को मेरा डाउनफॉल आ सकता है यार, तुम मेरे साथ ऐसी रहोगे ना प्लीज, तो कहती नहीं क्यों होंगी आप फ्लॉप, कुछ भी हो सकता है, हर अरूज को सवाल है, या मुझे लगता है अभी तो मेरा अरूज आया ही नहीं, अभी तो आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, लेकिन मुझे डर लगता है ये फील ड्रॉनी है, ये काम ड्रोना है, ये काम खत्म, ऐसे लोग भूल जाते हैं आपको यार। लेकिन अगर आपकी फैमिली हो और आपके बच्चे हो जो आपको रियलिटी चेक दे कि हेलो हेलो अम्मी आ जाए, मम्मा यार चिप्स बना के दे, अगर मैं अगर सिंगल होती या मदर नहीं होती या मेरी शादी नहीं हुई होती तो इस काम को तो मैंने यहाँ बिठा लेना होता, लेकिन इस काम को यहाँ नहीं बिठाना, ये फेम यहाँ नहीं बिठाना, बस मेहनत करें, काम करें और टीवी तक, अपनी एक्टिंग तक आप हीरोइन रहें, फिर बाकी नॉर्मल हो जाएं यार, जिंदगी नॉर्मल है ना, बिल्कुल मजे की है, जिसमें आप हा हा हंसते हैं, जिसमें आप कैजुअल है, नॉर्मल है। मैं ऐसी कभी भी नहीं हो सकती नुज़र, क्योंकि मैं चाह के भी नहीं ऐसी हो सकती, तो मैं हीरा मानी ऐसे ही है, और मैं चाहती हूँ मैं काम ना भी करूँ तो मेरे कैरेक्टर से तो लोग प्यार करते हैं जो मैं टीवी पे करती हूँ, लेकिन मेरी जो असलियत है ना उससे लोग प्यार करें, तो वही एक रीजन है कि जो लोग आपको ओन करते हैं, ओन बंदा कैरेक्टर्स को नहीं करता, अच्छा हाँ पर्सनालिटीज को करता है ना, तो वो पर्सनालिटी हीरा मानी है, हाँ तो वो वाली चीज, तो बस वो रहे हमेशा। अच्छा तो हीरा आप बताएं कि सबसे अच्छा जो है आपका अब तक का फैन जो स्टोरी होती है वो हमेशा इंसान को याद रखती है, जो पहली होती है वो कोई है ऐसी? हाँ वो ऐसी है, और वो अब मुझे यार मैं बस क्या बताऊँ, बस लोगों का प्यार है। मुझे एक आंटी आई मेरे पास, उन्होंने लिटरली मुझे लोग दूसरे मुझे दुआएं देते हैं लोग, तो एक होता ना ये कहती है कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया बेटा, बहुत अच्छा था, मैं तो चाहती हूँ तुम ऐसे ही रहो, अल्लाह तुम्हें दे, तुम्हें नवाजे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे मियाँ, तुम कितनी प्यारी हो, तुम्हें अल्लाह सब कुछ देगा और अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हें हमेशा कामयाब। मैं कहती थी यार इससे बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती, जो फैंस गाड़ियाँ या घर या आई डोंट नो, मैंने अक्सर सुना है कि यार इतने पागल फैन है कि स्केच कर, मुझे लगता है इससे दुआ जो होती है ना नुज़र, वो आप सिर्फ अपने कुंबे के लिए करते हैं, हमेशा बात याद रखिएगा। मैं जब दुआ करती हूँ तो मैं अपनी अब्बू तला उबैद हसन मुजम्मल इब्राहिम शाह जमाल, किसी और को दुआ देना ये बहुत बड़ी चीज़ है, और आप ऐसे हैं कि आपको मिलते कोई दुआ दे रहा है तो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो कुछ है ही नहीं, तो हीरा मानी है ना ब्लेसिंग वाली बंदी। तो मुझे नजर ये फील, मुझे मैं कहती हूँ ये क्या फैन आइटम है यार, लोग तस्वीरें खिंचवाते हैं, लोग मुझे प्यार करते हैं, लोग मैं जैसे कोई लड़का भी आ जाए कभी, या कोई लड़के होते हैं या कोई मर्द भी आ जाए तो मुझे कहते हैं मानी भाई कहाँ है, मानी भाई के बगैर आप अच्छी नहीं लगती, मानी भाई का आपके साथ, तो कहते हो यार ये तो मैं पूरी दुनिया की जो भाभी हूँ ना ये भी मुझे बड़ी पसंद मजे की लगती है बात, तो बेसिकली इससे अच्छा फैन मोमेंट कोई नहीं होता। और हाँ आपने मुझसे एक और सवाल किया था कि पहला जो किसी ने पहचाना मुझे तो मुझे कैसी फील आई, मुझे पहली दफा जब पहचाना शुरू किया था तो मैं आपको बताती हूँ, मैं एक ऐसे घर में गई हूँ शादी करके जहाँ बचपन से ये काम हो रहा है, बिल्कुल ऐसा ही, मानी के अब्बू PTV के पहले हीरो थे खुदा की बस्ती के, साकिब अंकल अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने वॉइस ओवर्स, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, सब कुछ किया अपने टाइम से, फिर उन पे बैन लग गया था। उससे पहले मेरे अब्बू जो हैं, मतलब मेरे जो ससुर हैं, उनकी फुप्पो साइलेंट मूवीज की हीरोइन थी, अच्छा ठीक है, ब्लैक एंड वाइट के जमाने की, फिर मेरी नन ने ये काम किया, फिर मेरे देवरों ने ये काम किया, तो मैं एक ऐसे घर में गई थी जैसे एक इंजीनियर होता है उसके घर में एक डॉक्टर होता है, आपस में डॉक्टर डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, डॉक्टर बात करते हैं, हाँ ये चीज हुआ हो ही हो गई, तो बेसिकली ये मैंने देखा है ये लोग इस चीज को काम की तरह लेते हैं, ये कोई सेलिब्रिटी स्टार वाली मैंने मानी के अंदर ना अप्रोच देखी ना, मैंने मुझे लगता है शायद अमिताभ बच्चन के घर में भी ये होता है, हर कमरे से एक स्टार बाहर आ रहा है ना, यहाँ से ऐश्वर्या आ रही है, अभिषेक आ रहा है, वहां से उसकी बीवी आ रही है, अमिताभ बच्चन की बीवी आ रही, तो बेसिकली ये वो काम है, जब घर में ये काम आम हो कि सभी ये काम कर रहे हैं तो ये काम सर पे नहीं सवार कर सकते आप। मुझे लगता है ये सर पे सवार तब होता है जब आपने चीज देखी नहीं होती, जब आपको इस चीज का इल्म नहीं होता,
तो बेसिकली मेरे अंदर कभी भी ऐसी कोई फील नहीं आई यार मैं सेलिब्रिटी हो गई हूँ, कभी भी नहीं आई। और ये मैं खुद क्या बोलूँ, आई थिंक ये मुझसे मिलने वाले लोग या मुझे जो देखते हैं उनको पता ही होगा कि मैंने ये कभी नहीं फील किया। हाँ, मैं कभी भी शोहरत के पीछे नहीं भागी हूँ कि मुझे बस, लोग कहते हैं यार आपने बच्चे जो है वो, लोग कहते हैं आपने शादी मानी सीखी क्योंकि आपको टीवी पे आना था। तो मैं बोलती थी यार तो टीवी पे अम्मा बन के क्यों आना था, फिर तो मुझे बच्चे भी नहीं करने चाहिए, तो बड़ी प्लानिंग करनी चाहिए थी कि अगर मुझे हीरोइन नहीं बनना था तो आज से 10 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी तब तो मैं ज्यादा प्यारी थी, तब से ही मैं आ जाती तो आज फवाद खान की हीरोइन तो होती। हाँ सही, लेकिन मैंने मैंने फैमिली कम्स फर्स्ट, मैंने कभी नहीं इस चीज पे ध्यान दिया। ये बस मेरा शौक है कि कैमरा लगा और मैं यहाँ पे बैठी रहूं, ऐसे दाएं देती रहूं। आप देखें आप चुप हैं लेकिन मैं बोले जा रही हूँ, क्योंकि वो जो कैमरा है ना ये मेरी मजबूरी और मेरी कमजोरी है। मैं शादियों में भी जाती थी तो मैं दुल्हन को ना जानती थी ना पहचानती थी, बस कैसी हो, ठीक हो, अच्छी लग रही हो, प्यारी लग रही हो, बस कैमरे में किसी तरह मैं नजर आती रहूं। तो दैट्स द प्रॉब्लम। हीरा अगर एक्टर नहीं होती तो क्या होती? मैं अगर एक्ट्रेस ना होती तो मैं क्या होती? तो मैं हीरा ही होती। मैं ये सब कुछ जो टीवी पे कर रही हूँ ये मैं सब घर पे भी करती रहती हूँ, तो मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता कि टीवी पे आ रहा है कि नहीं आ रहा। बस मुझे लगता है मैं एक गाड़ी में बैठती हूँ और एक जगह पहुंच जाती हूँ और वहां मैं वो सब चीजें कर रही होती हूँ जो मैं घर में बच्चे सुला के आईने के आगे कर रही होती हूँ। तो मैं अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो मैं शायद ऐसी होती, लेकिन मैं शादी जरूर कर लेती क्योंकि इस चीज का मुझे बहुत शौक था बचपन से। बचपन में पूछते लोग क्या बनोगी, दुल्हन। दुल्हन बनना था मुझे, तो वो दुल्हन मैं बन गई हूँ। और दुल्हन के बाद जो है वो बस मुझे ये मेरा शौक पूरा हो गया, तो बाकी ये चीज चलती रहती है। काम है, आज है नहीं है, कल है नहीं है, लेकिन लाइफ तो ऐसी है ना मजे की। मैं हाउस वाइफ होती अगर मैं एक्ट्रेस ना होती, जिसमें मुझे लगता है कि मेरा घर हो, जिसमें मैं हीरोइन हूँ, मैं चल रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, मियाँ से बहुत नाराज हो रही हूँ, मैं मानी से बहुत नाराज होती हूँ। मुझे नाराज होना पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि हीरोइनें बहुत नाराज होती हैं। नहीं मैं तुमसे बात नहीं करी, हाँ अभी तो मैं आया था तुम बिल्कुल ठीक थी, अचानक मैं तुमसे बात नहीं करी क्यों, ये मुझे लगता मुझे मनाए ना, ये मेरी लाइफ एक फिल्म है। सही। तो बेसिकली मैं टीवी पे हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरी लाइफ एक फिल्म ही रहेगी। इसीलिए फिल्मी जो है वो ज्यादा जा तुझे माफ किया, ये जो चीज थी जा तुझे माफ किया तो वो तो ठीक है, लेकिन क्यों किया जा तुझे माफ किया? अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हाँ? जिस दिन ये स्टेशन पे सारा शूट हो रहा था, दो तीन हमारे 7-8 सीन्स थे, मैं सुबह 10 बजे पहुंची, वजाहत भी आए, वजाहत ने कहा हीरा इधर आए इधर आए। मैं बोला हाँ वजाहत, हम लोग ना सुने आपने जा तुझे माफ में ऐसे करना है। मैंने कहा वजाहत ये तुम्हें कितना चाहती थी कि मैं कभी टीवी पे ऐसे करूं, ये आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ, आप मुझे क्यों वो चीज करा रहे हैं जो मैं चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है हाँ हीरा, मैं तो वो एनर्जी लेके खुश इतनी। अब उसके बाद मैंने 7 सीन्स किए, दो सुबह ही बात हो गई कि ये करना है इस गाने पे ना। मैंने कहा ठीक है, फिर हमारे 7 सीन, 7 सीन्स में जो मेरी एनर्जी थी कि मुझे आखिर में जब मेरा OST शूट हो गया तो मैंने ऐसे करना है। सही। ना मुझे भूख लगी, ना मुझे प्यास लगी, ये सीन वो सीन, और मगरिब से पहले हमें खत्म करना था। हमने सोचा था सारे सीन करके फिर OST को शूट करेंगे, अमूमन ऐसी आगे प्रोडक्शन करती है। तो मैं ना मैंने कुछ खाया ना, बस मेरे दिमाग में था कि मैंने ऐसे करना है। समझ रहे हैं आप लोग, ये आप लोग कैसे समझेंगे, ये एक एक्टर है, एक यहाँ पे बहुत से लोग एक्टर हैं तो शायद रिलेट कर सकते हैं। तो अच्छा ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन ठीक है फिर ये मैंने ये किया। और एक और बड़े मजे का सीन हुआ, आप एडवेंचर का पूछ रही थी ना, मुझे बहुत शौक था कि मैं जब वो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे आई थी कि मैंने ट्रेन में से कूदना है, चलती ट्रेन में से। अच्छा, मैंने ट्रेन का सफर बहुत किया है सर, मैंने शादी से पहले सिर्फ ट्रेन में बैठी हूँ, मैं जहाज में शादी के बाद बैठी हूँ मानी के साथ। मेरा बस मैं सोचती रहती थी कि मैं कूदूं, अच्छा थोड़ी हल्की हो गई, अब स्टेशन आ गया, हाँ वो तो हमेशा ना मैं रुक जाती थी, कोई चीज थी, कोई फोर्स थी जो मुझे करने नहीं देती थी और मैं रुक जाती थी। लेकिन मैं और वजह सीन कर रहे थे ट्रेन के अंदर का, उसके कुछ कट्स भी हैं जो दो बोल में आपको दिखेंगे OST में, तो उसमें मुझे ढूंढना होता है, वजह ने कहा हीरा ट्रेन चल गई है और वो क्लिक हो गया। नहीं मैंने कह रही है ना ट्रेन चल गई है क्योंकि खड़ी ट्रेन में हम शूट कर रहे थे ना, ट्रेन तो चल गई थी, वो तो चली जाती हमें कहीं लेके, हमने क्या मतलब समझ लिया। मैंने कहा वो जाने का यार ट्रेन चल गई, कैमरा मैन चले उतरे कूदे, अब सब कूद रहे हैं सबकी परेशान शक्ल के ट्रेन से, मैं यूं थी। फिर वजह कूदा, वजह ने कहा हीरा, मैंने कहा हाँ।
और मैं कूद गई, मैंने कहा आपको पता नहीं आपने मुझसे क्या कराया है, एक ख्वाब पूरा करा दिया है। तो बेसिकली ये कुछ चीजें हैं। हाँ, लेकिन इसके बाद ओवरनाइट सक्सेस थी। नहीं, लेकिन मेहनत भी तो कितनी थी। हाँ, भी देखे, मेहनत तो ओवरऑल सबकी ही थी। ओवरऑल, ओवरऑल इट्स अ टीम वर्क। मैं कहती हूँ कि यार मैं, आप एक्टिंग भी कर रहे हैं ना, तो आपसे अपने को एक्टर से नहीं पूछे कि आपका सीन कैसा हुआ, आप डायरेक्टर से भी पूछे ऑब्वियसली वो सबसे पहले। लेकिन मुझे लगता है आप लाइट, मैं ना, मैं लाइट वाले से पूछती हूँ, सुनो मैंने सही किया था। तो कहता हाँ बाजी बेस्ट। मैं मेकअप आर्टिस्ट से पूछती हूँ, मैंने सही बोला था ना। कहाँ बिल्कुल ठीक। मैं सबसे रोक रोक के पूछती हूँ, और मैं शूट पे ऐसे रहती हूँ परेशान, सब समझती हैं घर में कोई मसला है रहा, क्योंकि मुझे रहता है स्ट्रेस। मुझे इस काम का होता है कि यार मैं ये वाला सीन अपने डायरेक्टर को खुश कर दूँ, या जो डायरेक्टर चाह रहा है मैं वैसा कर दूँ, या स्क्रीन पे जब लोग देखें तो कहें यार इसने कितना अच्छा सीन किया। तो कैसा लगा जब जब सोशल मीडिया भी सारी चीजें आम हुई? अब मैं आपको बताती हूँ, टीजर जब चला जिसमें से मैंने ऐसे करके मैं भागी थी, हम लोग सो गए कलमा वलमा पढ़ के, हमें क्या पता था, हमें तो लगा था और मतलब हमें कुछ पता ही नहीं। सुबह मैं उठी तो वजाहत ने मुझे भेजे टिकटॉक्स, 300 के करीब टिकटॉक्स थे, और लोग ओवरनाइट जिसको कहते हैं ये सक्सेस मिली है, ये चीज हिट हुई है, लोगों ने ज्यादा मुझे माफ किया कि जो टीजर्स बनाए यार कितनी अच्छे एक्टर्स हैं हमारे मुल्क में, क्या और सिर्फ यहीं से नहीं बने, ये हमारे पड़ोसी मुल्क से भी बहुत बने, वहां पे मेरा ड्रामा ट्रेंडिंग पे यार। मजीद एंटरटेनमेंट वीडियोस और शॉर्ट फिल्म्स के लिए एबेक्स मीडिया हाउस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।